दो, ऐसे ऐसे ऐसे। जवान जवान सीख के जाओ, ये एक मिनट में हो जाता है 50 बार। एक मिनट में कितनी बार? 50 बार। करके बताओ, देखो 50 बार कैसे होता है। अब गिनना मैं करूंगा, ठीक है? गिनोगे ना? चलो शुरू करो। एक, पचास हो गया। बेसी हो गया तो कितनी देर लगी? एक मिनट। अब जो ऐसा व्यायाम कर लेगा वो कमजोर रहेगा। सबको ऐसे ही व्यायाम करना है और सबको बलवान बलवान। ये भी मजबूत होगा ना? ये भी मजबूत होगा, पूरा शरीर मजबूत। तीन के बाद ऐसा था, एक तो हमारे बुड्ढे बाबा लगा रहे, देखो उधर सफेद बाल वाले। ऐसे सबको जवान रहना, देखो लगाओ बाबा जी। ओ, ऐसे कुछ जवान बच्चे भी लगा रहे ऐसे। बस बस बाबा, बस बस ओ बाबा, पक्का एकदम। हाँ, फिर पांचवा, एक दो तीन चार। एक एक अभ्यास ऐसे तीन बार किया, ऐसे तीन तीन बार करके पांच पांच बार, दस दस बार कर सकते हैं। हनुमान बैठा ऐसे, आधा बैठे, जो पूरा बैठ पाते हैं वो पूरा बैठे, या ऐसे। ये बड़ी हिम्मत वाले, ये छठा, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। और सातवां हाथ ऐसे जवानों के लिए। जवान जवान बच्चे बड़े मस्ती से करते हैं, खुश लगे हुए ऐसे। या और इससे भी ज्यादा करना हो तो ऐसे करना। Thank you.
ये घर जाके करना, कच्ची मिट्टी में। ये 21 अभ्यास बता दिए, 12 दंड, 8 बैठक और ये मयूर चाल। अब कठिन आसन में बच्चे मयूरासन भी कर सकते हैं, देखो ऐसे होता है। सांस भर के, इतना व्यायाम करने वाले को सर्दी लगेगी। बहुत से सोच रहे थे बाबा नंगा कैसे बैठा है, शिलाजी तो नहीं खा के बैठा। मैं तो शिलाजीत नहीं खाता, ये तो कभी कभी आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये जिनको ज्यादा सर्दी लगता है ना, उसके लिए शिलाजीत है, इसको खा सकते हैं जिनको ज्यादा सर्दी लगता है, शरीर कमजोर है, अस्थमा दमा खांसी है, लेकिन मैं नहीं खाता। ये तो च्यवनप्राश भी, जो हम कभी कभी आपको बताते हैं ना, ये च्यवनप्राश भी आपको जो कभी कभी बताते हैं ना, ये तो खाली आपको बताने के लिए कि अच्छी चीजें खाओ। बाकी हम कोई ये च्यवनप्राश भी रोज नहीं खाते, जैसे ये है। अब खराब खराब चीजें खाते हो आप, इसको खा सकते हो एक चम्मच। हाँ, तो आपको ताकत आ जाएगी। ये कह रहे बाबा फेंक दो, मैं फेंकूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो अच्छी चीजें खाओ। सुनो, आज संकल्प लेके जाएंगे, सब योग करेंगे और कोई रोगी नहीं होगा। ए सबको आज संकल्प लेके जाना है, सब खड़े बैठे जितने भी हैं, आज संकल्प लेंगे, सब योग करेंगे और किसी को अमरा रोगी होबो ना और निशा कोरबो ना और विदेशी वस्तु रे प्रयोग करबो ना। तीन काम करना है। रोगी नहीं होना, मैंने बोला ना, रोगी व्यक्ति खुद भी दुखी होता है और अपने परिवार को भी दुखी करता है। आप बीमार हो जाते हैं तो आपके मां बाप को बहुत कष्ट होता है ना, बोलो होता है कि नहीं होता, परिवार को कष्ट होता है ना। तो हमको कष्ट देना चाहिए माता पिता परिवार को? तो जो रोगी होता है खुद भी दुखी होता है और अपने परिवार को भी दुखी, तो अपने को रोगी नहीं होना। सुन, तुम्हारा अपना समझ में ना आए, जिस दिन मैं रोगी हो जाऊंगा तो कितनों को कष्ट होगा, बोलो सबको। कितनों को कष्ट होगा जरा हाथ उठाना, सबको कष्ट होगा। बोले बाबा सबको कष्ट होगा, इसलिए मैं रोगी नहीं हूंगा क्योंकि मैं सबको दुखी। ऐसे ही सब सोचो कि मैं रोगी हूंगा तो सब दुखी होंगे, इसलिए मुझे रोगी नहीं, मुझे खुद भी दुखी, मैं खुद भी दुखी हूंगा ना रोगी हूंगा तो। टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट का बीमारी हो जाए, कमर में दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरी कमर एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं आगे भी झुकता हूं, मैं पीछे भी झुकता हूं, ऐसे भी झुकता हूं, ऐसे भी झुकता हूं। मैं बोलता हूं बच्चों को ऐसे करना चाहिए, ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए 5 आसन, सर्वांग आसन, हर आसन, चक्रासन, खड़े होकर ताड़ासन बताया था, पश्चिम ताड़ासन, ऐसे बच्चों की तरह रहो, ऐसे स्फूर्ति रहनी चाहिए। या उठते भी हैं तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, इतनी देर में तो उठते हैं, इतनी देर में तो देश गुलाम हो जाएगा। बच्चों जैसी शक्ति स्फूर्ति होनी चाहिए शरीर में। बताओ मैं बच्चों की तरह रहता है कि नहीं रहता? मुझे पता है सब लोग क्यों प्यार करते हैं, घर में सब छोटे बच्चे को सब प्यार करते हैं ना, तो ऐसे में सारे देश के लिए एक छोटा बच्चा भी हो और सन्यासी के रूप में गुरु भी हो, इसलिए बच्चे के रूप में और गुरु के रूप में जो सब प्यार करते हैं, ऐसे आप भी रहो। बच्चों जैसा निरोग निर्मल तन, बड़ों जैसा ज्ञान, दोनों होने चाहिए और पुरुषार्थ।
ये ऊपर किसका स्थान है? ज्ञान का। यह हाथ किसका स्थान है? कर्म का। और हृदय किसका स्थान है? भक्ति का, प्रेम का, करुणा का। शुद्ध ज्ञान, ऊंचा कर्म और ऊंची भावना, तीन चीजें। सुनो, बच्चों के लिए व्यायाम बताया मैंने, आसन बताया, सबको ऐसे ही योग का अभ्यास करना है। और 12 आसन करने हैं। देखो 12 आसन कैसे हैं, ये 12 आसन रोज करना। एक बात सुनो, कल मैंने एक बात, एक छोटा सा गांव था, योग ग्राम में गया था। मैंने कहा ये गए गायब हो गए, इसको योग ग्राम को योगक ग्राम बनाने आया हूं। वहां एक बात कही थी मैंने, यहां दोहरा रहा हूं। एक बुरी आदत हमारे पूरे जीवन को दुखी बना सकती है, नरक बना सकती है। क्या बोला? एक बुरी आदत हमारे पूरे जीवन को दुखी बना सकती है, नरक बना सकती है, पूरे जीवन को बिगाड़ देती है, पूरे जीवन पर कलंक लगा देती है। एक बुरी आदत नशा की, एक बुरी आदत दुराचार व्यभिचार की, एक बुरी आदत, कितनी बुरी आदतें हैं, चोरी की, पूरे जीवन पर कलंक लगा देती है। इसलिए बुरी आदत कभी नहीं रखना। और एक अच्छी आदत पूरे जीवन को संवार देती है। एक अच्छी आदत क्या? संतों की सेवा, सत्संग करने की। एक अच्छी आदत क्या? स्वाध्याय करने की। एक बुरी आदत तो बताया ना, नशा है, हिंसा है, चोरी जारी दुराचार व्यभिचार, ये बुरी आदत। अच्छी आदत स्वाध्याय करने की, अच्छी आदत योग करने की, सत्संग सुनने की। और कुछ याद नहीं रहता ना आपको, सुबह सुबह ये दो अभ्यास योगिक जोगिंग के जो अभी बताए थे, दो प्राणायाम, दो व्यायाम, जो नहीं करते उनको स्टार्ट कराने के लिए क्या करना, ये करना, ये एक बोलो उसको सुबह सुबह ऐसे कर लिया करो, ऐसे ये कर लो, ऐसे तो कर लेंगे, ये करना बोले, व्यायाम करने की आदत डालो, प्राणायाम करने की आदत डालो, ये तो याद हो जाएगा। दो तीन प्राणायाम, दो तीन व्यायाम, वज्रासन बैठिए, योगिक जोगिंग कर लिया। सुनो 12 आसन कैसे होते हैं, ये 12 आसन सबको सिखाना है। फिर 4 आसन कमर के लिए, कमर में दर्द भी तो बहुत बढ़ रहा है ना। सबको सिखाने हैं मरकटासन का दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास। धीरे धीरे होगा पवन मुक्ता। ये 12 आसन तो सबको सिखा दोगे ना, बस करने भी हैं, करते भी हो आप लोग। फिर जैसे बच्चे हैं उनको कठिन आसन करा सकते हैं, बच्चे जैसे शीर्ष आसन कर सकते हैं।